स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। संसद में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आधार की महत्ता को बताया और उसके उपयोग के बाद बंद हुई दलाली का भी जिक्र किया। बहुत ही कृतज्ञ हूं माननीय सरस्वती जी का, शरद जी का, भैरव मिश्र जी का और सदन का कि उन्होंने बहुत विस्तार से सुना, अपनी बातें कही हैं। माननीय सरस्वती जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बड़े अनुभवी संपादक हैं और अनुभवी सांसद भी हैं। आपने मेरे बारे में जो अच्छी बातें कही हैं उसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये बिल कैबिनेट पास करती है, मेरे द्वारा पदाधिकारी बनाते हैं, मैं निर्देश देता हूँ, कैबिनेट पास करती है, कैबिनेट अकाउंटेबल है हाउस के प्रति। तो इसलिए ये कहना कि पदाधिकारियों ने बना दिया और आप चले आए, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, इस देश को चलाने में इस देश के पदाधिकारी कर्मचारी की भी भूमिका होती है, जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस संसद को भी चलाने में हमारे पदाधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए कोई ऑफिसर है, कर्मचारी है, उसके खिलाफ एक प्रिजुडिस रखा जाए आपके ऐसे अनुभवी सांसद से, ये मेरी उम्मीद कम है। आपने कहा आधार किस लिए? आधार हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए, एक बात आप समझिए। दूसरी बात, हम विपक्ष में आधार का विरोध करते थे क्योंकि यूपीए का आधार निराधार था, कोई कानून नहीं था। जब मोदी जी का आधार आया तो सबसे पहले आधार एक्ट से इसको मजबूत किया। अब आपने कहा कि ये डिजिटल आइडेंटिटी क्या है? ये डिजिटल आइडेंटिटी फिजिकल आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। यह है उंगलियों के निशान और यह है आंख, ये फिजिकल आइडेंटिटी को मजबूत करते हैं। अब आपने कहा कि इससे आप डिनाई कैसे करते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आज इस सदन के सामने कहना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि मनरेगा पेमेंट में लाखों लाखों जाली वर्कर्स का पेमेंट होता था? आज चाहे वो कोई भी प्रदेश को आप देख लीजिए, आपके भी प्रदेश में आज आधार के बाद बैंक अकाउंट में उस गरीब मजदूर का पैसा जा रहा है और वो मजबूत हो रहा है। क्या यह सच्चाई है कि नहीं है कि बहुत सारे राशन दुकान लोग जाली ग्राहक की लिस्ट बनाकर गेहूं चावल मार लिया करते थे, आधार के बाद आज वो सीधा अकाउंट में वो पकड़े जा रहे हैं? लेकिन मैंने पहले भी कहा था और मैंने अपने अफसर को निर्देश दिया है कि मोदी जी की सरकार में किसी की गरीब को आधार के अभाव में अनाज से वंचित नहीं किया जाएगा, ये हमने सर्कुलर भेजा है। और आपने जो झारखंड की बात कही, हमने स्वयं इंक्वायरी की थी, आधार के कारण यह समस्या नहीं पैदा हुई थी। आपने कुछ मेडिकल हेल्प की बात की अस्पताल में, बहुत सही कहा आपने। और हमारी सरकार ने तय किया है कि आधार के अभाव में किसी को भी अस्पताल में फर्स्ट एड से रोका नहीं जाएगा, ये हम चिंता कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं। आपने कहा मिडिल मैन तो अच्छा काम करता है, ये मिडिल मैन जो है ना उसका मिडिल ही बड़ा गड़बड़ हो जाता है, को जो अच्छा काम करते हैं वो इंस्पायर करते हैं, मिडिल मैन, अब उसका नाम माननीय उपसभापति दलाल को हम पार्लियामेंट्री कहें कि नहीं कहें मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जैसे ही वो शब्द आता है वो कुछ ना कुछ कटिंग फिटिंग और सेटिंग की बात होती है। आधार ने क्या किया है, कटिंग फिटिंग सेटिंग करने वाले को अलग कर दिया है और सीधा जनता और सरकार के बीच वो उसके बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये तो अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही कहा, IMF ने इसको सही कहा, वर्ल्ड बैंक ने सही कहा, नोबल लॉरियट्स ने कहा। आजकल मैं विदेश में जाता हूं, सभापति जी आपको मैं बताऊं, आज से 8-10 महीने पहले मैं बहामास गया था लॉ मंत्रियों के कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में, सारे अफ्रीकी देश के मंत्रियों ने कहा मंत्री जी हमें आधार के बारे में बताइए। तो आज हिंदुस्तान का आधार दुनिया को आधार दिखा रहा है। सभापति जी आपका विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आधार की सच्चाई इसी में है, अगर 130 करोड़ के देश में 123 करोड़ ने आधार को माना है तो यह आधार की सफलता है, यह हम आपसे कहना चाहते हैं। अब आपने कहा 18 महीने में, 18 साल में कैसे काम करेगा? 18 साल का नौजवान वोट देख के इस देश की तकदीर को बदल सकता है, क्या आधार के बारे में फैसला नहीं कर सकता है? बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय राज्य मंत्री ने, 18 साल का जवान सरहद पे फैसला दे रहा है। तो हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि एक बात, इस बात को आप हमेशा समझें कि आधार ने अपनी एक लोकप्रियता बनाई है, अपनी ग्राह्यता बनाई है। टुडे आधार इज एक्सेप्टेड, आधार इज रिकॉग्नाइज्ड एंड द आधार इज लिविंग इट्स यूटिलिटी। अब आपने हमारे कुछ पदाधिकारियों के बारे में कह दिया, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा
UIDAI is not supporting any startup or company for Aadhaar related services. ये बात मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा. अब आपको जिसने भी ये बात कही है उसके बारे में आपको पुनर्विचार करने की जरूरत है. Then if you have any specific example, kindly let me know. I'll look into it. I want to tell you. लेकिन अथॉरिटी आधार की एक अथॉरिटी के नाते इस सदन के प्रति जिम्मेवार है, सदन की कमिटियों के प्रति जिम्मेवार है. देखिए मैं आपसे एक बात कहूंगा माननीय उपसभापति जी, इस देश में आलोचना बहुत होती है, इस देश में अच्छे काम करने वालों की तारीफ भी होनी चाहिए. और आज जब मैं खड़ा हूं, चूंकि आधार मेरे अंतर्गत काम करता है, आई एम ग्रेटफुल टू यू. अभी मैं दूसरी बात मैं अभी दूसरी बात कह रहा हूं माननीय उपसभापति जी, उसी सिस्टम में आधार के ऑफिसर्स और कर्मचारियों ने देश के 123 करोड़ लोगों को आधार पहुंचाया है, इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए. इसी देश में करके हुआ है, तो अगर अच्छा काम हुआ है और उसकी सेवाएं भी चल रही हैं, तो हमें लगता है कि इसका विचार करना चाहिए. अब आपने कहा कि आधार से एक और फायदा क्या हुआ है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम. यह क्या होता है, वो आधार लेके जाता है, गांव गांव जाता है और उनका पेमेंट भी कर देता है, जो आपने बताया डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज उनके DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में होता है. तो ये हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया माननीय उपसभापति जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को बदलने का प्रयास है. और ये नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी एक प्रकार से देश को योगदान है कि आम आदमी के हाथ में टेक्नोलॉजी दिया है उन्होंने, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे वो बाकी एप्स हो. आज किसान, आज हेल्थ, आज एजुकेशन, हर क्षेत्रों में इसका काम हो रहा है और आधार उसकी एक बहुत बड़ी दूरी है. इसलिए हमने इसको क्यों बनाया. अब माननीय सतपथी जी को था कि ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन क्या है, ये ऑल्टरनेटिव क्या है. जवाब बहुत सुंदर है. बहुत लोग चाहते हैं कि हम आधार का उपयोग करेंगे, हमारा नंबर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए. तो हमने माननीय सतपथी में प्रावधान किया है कि आप अपना 12 डिजिट का प्राइवेट नंबर बना सकते हैं और जब आधार की आवश्यकता पड़ेगी तो आधार का नंबर दिखाई नहीं पड़ेगा, आपका अपना नंबर दिखाई पड़ेगा. तो प्राइवेसी का राइट भी हो गई. ऑफलाइन की क्या है कि भैया हमारा ऑनलाइन मत करो, जैसे हम एयरपोर्ट पे घुसते हैं अपना आधार निकालते हैं. और माननीय उपसभापति जी, आज मैं सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं, कही गई आप कहां रिकॉर्ड रखते हैं. ये सारा रिकॉर्ड हिंदुस्तान में बैंगलोर और मनेसर में रहता है, कोई विदेश में नहीं रहता है. लेकिन आधार में कम से कम तथ्यों का हम उपयोग करते हैं. आज अध्यक्ष जी, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपना आधार कार्ड इस सदन के सामने दिखाना चाहता हूं. इस आधार कार्ड में क्या है, मेरी फोटो है, मैं पुरुष हूं और मेरे पटना का स्थायी पता. इसमें क्या नहीं है, और मेरे पिताजी का नाम. इसमें क्या नहीं है, मेरी जाति क्या है, मेरा समुदाय क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, मेरी इनकम क्या है और मेरी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, जिससे हमको प्रोफाइल किया जा सके. लेकिन सिस्टम में हमारी उंगलियों के निशान है, हमारी आंख की पुतलियां हैं जो बिल्कुल सेफ सिक्योर हैं कानून के द्वारा. और आधार कैसे काम करता है, हम बैंक गए पूछा कैसे काम हो रहा है, सीधा नंबर देगा आधार, कहेगा ये नंबर रविशंकर प्रसाद का है, उसे मालूम नहीं है किस काम के लिए पूछा गया है. तो एक प्रकार से अलग अलग खंडों में करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास भारत के वैज्ञानिकों ने किया है जो आज दुनिया में एक बहुत ही प्रशंसा का पात्र बना है. और हमारा खुला मन देखिए, जो भी कमजोरी सुप्रीम कोर्ट ने प्राप्त बताई हम उसको सुधार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 57 को निरस्त कर दिया, हमने भी निरस्त कर दिया. अब हम इस प्रकार से आधार को एक मजबूत आधार के रूप में देश के सामने रख रहे हैं. तो मैं इस सदन से, भैरव मिश्रा जी ने जो बात कही है हम उसकी चिंता करेंगे कि आपके क्षेत्र में अगर बैंक ने अगर आपके क्षेत्र में बैंक ने कमजोरी किया है तो मैं विशेष रूप चिंता करूंगा कि वहां पर एक्सपेडाइट किया जाए. तो अगर आज 130 करोड़ के देश में 123 करोड़ लोगों ने आधार को माना है तो आधार ने अपना जनाधार बनाया है देश के विकास के लिए. और उसमें जो कुछ सुधार करने की जरूरत थी ये बिल उसके लिए है. तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस सदन से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि इसको पास